सिंधिया समर्थकों की बीजेपी में होगी वापसी, किसी को नहीं मिलेगा मंत्री पद। सिंधिया के अधिकांश समर्थक इस बार भी हार गए चुनाव, जो जीते नहीं बनाए जाएंगे मंत्री। शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थकों का था दबदबा, इस बार किए जाएंगे किनारे। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई है, प्रदेश को नया सीएम मिल गया है। डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने सीएम पद संभाल लिया है, दो डिप्टी सीएम मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक सिंधिया समर्थक किसी भी नेता को डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, और कहा जा रहा है मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पार्टी एमपी में अब गुजरात मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उससे इस बात के साफ संकेत मिल गए कि बीजेपी में एमपी में गुजरात मॉडल काम करेगा, जिसमें सभी बदल दिए जाएंगे। सीएम तो बदला ही जा चुका है, अब सभी मंत्री भी बदले जाएंगे। यानी जो नेता शिवराज सरकार में मंत्री बनाए गए थे, नई सरकार में उनका पत्ता कट जाएगा, और जो लोग मंत्री नहीं बनाए गए थे, इस बार उनकी लॉटरी खुलेगी। मोहन सिंह यादव के मंत्रिमंडल में इस बार पहली बार चुनाव जीते कई विधायकों की भी लॉटरी खुल सकती है। अनुभवी और 5-6 बार चुनाव जीते विधायकों को मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं मिलेगी, इसके साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। गुजरात मॉडल अगर लागू होता है तो ऐसे किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया जाएगा जो डॉक्टर मोहन पर हावी हो सके। यानी मोहन सिंह यादव को सरकार चलाने की पूरी छूट दी जाएगी, उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए इसका ख्याल रखा जाएगा। दरअसल बीजेपी गुजरात मॉडल का फायदा देख चुकी है, अगर वरिष्ठ विधायकों को मौका दिया जाता है तो सीएम जो कम अनुभवी होता है उसे सरकार चलाने में परेशानी होती है, और इसका असर उल्टा पड़ता है। बीजेपी के सामने गुजरात और कर्नाटक दो मॉडल हैं। भूपेंद्र पटेल को चुनाव से एक साल पहले गुजरात का सीएम बनाया गया, उन्हें पूरी नई टीम दी गई, और एक साल में ही भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश में बीजेपी की दशा और दिशा सुधार दी। पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब भी बीजेपी कभी 130 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, लेकिन भूपेंद्र पटेल ने एक साल में ही बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीटें दिलवा दी। दूसरी ओर कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई थी, जिस कारण से बोम्मई खुलकर फैसले नहीं ले पाए। नतीजा, पार्टी वहां सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश में कर्नाटक मॉडल की जगह गुजरात मॉडल पर आगे बढ़ना चाहती है, और शिवराज सरकार में जो भी नेता मंत्री बनाए गए थे उन्हें किनारे करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल सिंधिया समर्थक जितने भी नेता इस बार चुनाव जीते हैं, उनमें से अधिकांश तो शिवराज सरकार में मंत्री ही थे। ऐसे में अगर गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा तो इनमें से किसी को डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी, और इस खबर ने सिंधिया समर्थकों की नींद उड़ा दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंधिया के पास भी अब करने को कुछ नहीं बचा है, वो हाईकमान पर दबाव बनाने की स्थिति में ही नहीं है। जब शिवराज सिंह चौहान को ही बीजेपी ने किनारे कर दिया, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे हाईकमान पर दबाव बना पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं, और यही परेशानी अब सिंधिया समर्थकों के मन में दिखाई दे रही है। वैसे अब सिंधिया के लिए अपने समर्थकों की कैबिनेट बर्थ से ज्यादा खुद की बर्थ की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी की ओर से सिंधिया को साफ निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वैसे तो सिंधिया कार्यकाल 2026 को समाप्त हो रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स से राजनीति में आए लोगों को ही राज्यसभा के रास्ते संसद में लाया जाएगा, बाकी नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिंधिया गुना, शिवपुरी या ग्वालियर में किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।